अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थारे पति ने तेरे साथ जो ना किया ना, वो हम करेंगे थारे साथ। मेरी बीवी है ये। छूना मत हमें, दूर रहो हमसे। जब से जिंदगी में आया तब से कुछ ना कुछ फालतू का ही हो रहा है। जबरदस्ती हमारे से शादी कर ली और तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे चाहिए ना तुम्हें, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लो, लेकिन हमारे से दूर चले जाओ बस। हमारे साथ हाँ, पैसे के लिए अभी कुछ छीन लिया तुमने हमसे। अगर पैसे ही चाहिए तो तू कह देती, तुम्हारा पूरा घर भर देते हम पैसों के साथ। त्रिशाला, तुमने हमारे अबीर को हमसे अलग कर दिया पैसों के लिए। त्रिशाला, हम आपको इतनी बदतमीजी से अपने परिवार की बहू से बात करने नहीं देंगे। मम्मी सा, हमें ऐसे हालात बनाने होंगे कि जब हम उस विधि की बलि करें ना, उस वक्त अबीर वहां मौजूद ही ना हो, और इस सब के लिए हमें छोटी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी, और उस एक्टिंग में हम विधि का साथ देंगे। आप शायद भूल रही हैं कि विधि तोमर परिवार की बहू है, और ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है। आप ही की वजह से अबीर को ये सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, आप रहिए अपनी माँ के साथ और इस पैसे ऐंठने वाली नई बीवी के साथ। बाहुकुम, आपको त्रिशाला से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और त्रिशाला को इतनी बदतमीजी से हमारी घर की बहू से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो भी बोल रही थी वो सच बोल रही थी। इस लड़की को सिर्फ पैसों से मतलब है और कुछ नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं आप अबीर? अबीर अब विधि आपकी पत्नी है, यानी कि तोमर परिवार की बहू। ये रिश्ता माँ जगदम्बा ने खुद बनाया है, इसलिए अब इसे आपको स्वीकार करना ही होगा। चलिए अब वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तोमर परिवार की रस्म है, नई बहू हमेशा कुलदेवी के मंदिर जाती है। मंदिर जाने के लिए रवाना होते हैं। आओ बेटा। विधि, आप कार में बैठिए बेटा, हम बस अभी आए। हेलो हेलो, अबीर वर्मा कहाँ है आप? वो त्रिशाला। क्या हुआ त्रिशाला को आंटी? वर्मा आपसे क्या कहें हम, त्रिशाला की हालत बहुत खराब है, वो बेहोश हो गई है। और हम अभी आते हैं वहाँ पे, आप रुकिए। हाँ
क्या हो गया बेटा? महाकुम त्रिशाला, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, वो बेहोश हो गई है, हमें वहाँ पे जाना होगा। हाँ हाँ, आप जाइए, उनका ख्याल रखिए, हम विधि को मंदिर ले जाके दर्शन करवा देंगे जी। आप जाइए। विधि बेटा, आप बाहर आइए। डॉक्टरों को बनासा अचानक कटे चले गए। उन्हें कॉल आ गया, अचानक मीटिंग आ गई, जाना पड़ा। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, आपको तो वहां जगदम्बा माँ के मंदिर जाना है ना, बहुत दूर है, बहुत समय लगेगा, जाइए। आप नहीं जाएंगे? हमने तो ये सब कुछ अपनी शादी के वक्त कर लिया ना, ये हर सुहागन को अकेले ही करना पड़ता है। जाइए, अगर वो मंदिर आपको मिल जाए ना, तो जो आप चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा, और जो हम चाहते हैं हमें भी मिल जाएगा। मने तो बस इतना चाहिए अबे माँ से, हमारी माँ हमेशा खुश रहे और बनासा को उनका प्यार मिल जाए। लेकिन उसके लिए तो मंदिर जाना होगा ना, हम यही अबीर का इंतजार करते हैं। तुम जाओ, तुम्हारा सफर जल्द ही खत्म हो जाओ। समधन जी। हाँ जी, प्लान कामयाब हुआ क्या? हमारा कौन सा प्लान है जो कामयाब नहीं होता? अबीर कुछ ही देर में आपके पास पहुंच रहा होगा। पर मम्मी साहब, उस विधि का क्या, उसकी बलि कैसे हो पाएगी? विधि तो अपने विधान की तरफ चल चुकी है, अपने आखिरी सफर की तरफ। माँ जगदम्बा का मंदिर ढूंढने चली है इस तपती रेगिस्तान में, वो मंदिर जिसका असल में यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं। इस रेगिस्तान में तो अच्छा भला तंदुरुस्त इंसान दम तोड़ देता है, अंदर से उसे कैंसर चलाएगा, और बाहर से रेगिस्तान का जलता हुआ सूरज, इस रेगिस्तान की तपती हुई धूप उसकी सांसें सोखने को ताप रहा है। अंबे माई का मंदिर यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है। डॉक्टर हुकुम ने कहा था तो यहीं कहीं होगा, उनका आशीष पाने के लिए हमें जाना होगा। त्रिशाला, अबीर आ चुका है, जल्दी से शुरू हो जाओ। त्रिशाला, आपसे जुदा होना इनसे बर्दाश्त नहीं हो सका, और ये देखिए ये सारी नींद की गोलियां खा गई हैं। हमें अभी के अभी त्रिशाला को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, कैसे भी करके, प्लीज ये अर्जेंट है। त्रिशाला आंखें खोलिए प्लीज। अबीर, त्रिशाला, क्या ये आप हैं? हाँ त्रिशाला, हम आ गए हैं, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, आप प्लीज चलिए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत जरूरी है। हमें कहीं नहीं जाना अबीर, आप हमारे नहीं हैं तो अब हम जी के भी क्या करेंगे? ऐसे मत कीजिए त्रिशाला, आप प्लीज समझिए हमारी बात को, हमारे दिल में सिर्फ आप हैं। हम ये सिर्फ तभी मानते हैं अगर आपने हमसे शादी की होती तो। त्रिशाला, कैसे हम शादी करेंगे, आप हमारी बात समझिए ना,
हमारी शादी तो उस लड़की से हो गई और आप सिर्फ हमारे हैं अबीर। हमारे रिश्ते का चाहे कुछ भी नाम ना हो लेकिन आप सिर्फ हमारे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक और दिन भी जिंदा रहें तो आपको हमसे शादी करनी होगी। बोलिए, करेंगे आप हमसे शादी? माई और अबीर बनना साह के लिए मारे को जाना ही होगा। अरे भाई, इस जगह पे थारो कहीं मरने को चाह रहे कहीं? काका अठे कहीं माता रू मंदिर है। कोई मंदिर मंदिर कोनी है, मंदिर अठे ही है। डॉक्टर हुकुम उन्होंने हमें बताया। थारे धनी रो कहीं हुए हो तू? ब्यावर झूठ बोला। डॉक्टर हुकुम मारे से झूठ क्यों बोलेंगी? मैं नहीं जानू मैंने झूठ बोलियो। मैं तो यह चाहूँ की तू पाची निकल जा। मैं ना चाहूँ की मारी भेड़ बकरियां अठे चरवे आमे तो बिना थारी हड्डियां मिले। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। नहीं, मंदिर मंदिर अठे ही कहीं है। जतावड़ा में भाई जीरी बुद्धि भ्रष्ट हैगी या मरेगी और कछु कोनी करे। अपनी माई और बन्ना बन्नी के मिलन के लिए हमें ये मंदिर ढूंढना ही पड़ेगा। इशाला आंखें खोलिए, अब तो हॉस्पिटल चलें प्लीज। हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? माँ को प्लीज देखिए ना त्रिशाला को, इसने नींद की दवाइयाँ खा ली है, प्लीज इसे कुछ भी नहीं होने देना है। हम त्रिशाला को दवाई दिए देते हैं, उनकी दवाइयों का असर कम हो जाएगा। नहीं, हम कोई दवाई नहीं लेंगे जब तक आप नहीं मानेंगे हमारी और अबीर की शादी के लिए। हमारी और अबीर की शादी की रजामंदी नहीं देंगे तब तक हम कोई दवाई नहीं लेंगे। हाँ बेटा, आप घबराइए मत, त्रिशाला हम आपकी ही शादी करवाएंगे अबीर से। माँ को आप इतनी जल्दी कैसे मान गई इस बात के लिए? आपने तो उस लड़की को अपनी बहू मान लिया था ना? अबीर, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम गलत थे उस लड़की के बारे में। हम तो ये सोच रहे थे कि वो विधि एक नेक और शरीफ लड़की है, भले ही गरीब है लेकिन अच्छी लड़की है। हम उसे मंदिर ले गए और वो तो अपना पोटला लेके तब से गायब ही है, लौट कर ही नहीं आई। हमें तो अभी यकीन होने लगा है कि उस पोटली में उसने जेवरात और पैसे डाले और उन्हें चुरा कर वो यहाँ से भाग गई। अब हम उस लड़की के बारे में दोबारा किसी के भी मुंह से कोई बात नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं करेगा उस लड़की के बारे में। समझ में आ गया कि उसने ये सब जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लेके, और वैसे भी बंदूक की नोक पे की हुई शादी उसका कोई मायना नहीं है, और हमारे लिए भी इस शादी का कोई मायना नहीं है। हम नहीं मानते इस शादी को। बेटा ये बातें बाद में होंगी, सबसे पहले तो आप इन्हें दवाई खिलाइए ना। देखा समदंसा, जैसा हमने सोचा था
वैसा कर दिया। आप आराम कीजिए बेटा, आइए सब धनसा। सुनैना जीजा जी, करना भाभी सा, आप सारे घर वालों को लेकर फौरन बादमेर की पुश्तैनी हवेली आ जाइए। हम अबीर और त्रिशाला की शादी बड़े धूमधाम से यहाँ करने वाले। शादी कैसे होगी और दोष का क्या? दोष तो हमने मिटा दिया ना, बलि देकर। बलि? किसकी बलि भाभी सा? ये सारी बातें हम आपको बाद में समझाएंगे, फिलहाल आप बस इतना कीजिए जितना हम कह रहे हैं। सारे घर वालों को लेकर बादमेर की पुश्तैनी हवेली आ जाइए। वो विधि मर तो गई होगी ना अभी तक। समधन सा, ये रेगिस्तान जिस तरह का है, अगर एक हट्टे कट्टे बैल को भी यहाँ छोड़ देंगी ना, वो भी नहीं बच पाएगा। वो लड़की विधि तो एक हवा के झोंके से भी ज्यादा कमजोर है। जिस तरह की उसकी हालत थी ना, हमें तो पूरा यकीन है अब तक उसकी बलि चढ़ भी चुकी। माँ, आपने जैसे मुझ प्यासी को पानी से मिलाया, वैसे ही मारी माई ने और बन्ना सा ने सारी खुशियां देना। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी इंसान से इतनी नफरत करेंगे हम जितनी उस लड़की विधि से है हमें। भगवान करे हमारी जिंदगी से चली जाए, लौट कर कभी ना आए। में डॉक्टर हुकुम के पास पहुंच ही जाएंगे। डॉक्टर हुकुम कहां गई? डॉक्टर हुकुम, बन्ना सा, ये हारी को छोड़ के डॉक्टर हुकुम कहां जा सकती है? इतने इतने मान से मुझे माँ का आशीष लेने भेजा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रेगिस्तान में घूम गए हो?
और डॉक्टरों को हमें कहीं और ही ढूंढ रही हो। डॉक्टर हुकुम, बनासा, डॉक्टर हुकुम, डॉक्टर हुकुम। यहाँ पे कहाँ ढूंढूं वो अल्लाह को।